नूडल्स मतलब मैगी, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट और सोयाबीन मतलब न्यूट्रेला। वेल आज भी लोगों के घर में सोयाबीन की सब्जी बनती है तो बोलते हैं कि न्यूट्रेला बना है। अब यहाँ पे रुचि सोया ने बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग करी न्यूट्रेला की, और आज जो ये रुचि सोया कंपनी है ये आती है पतंजलि ग्रुप के अंडर। आपको इस वीडियो में ना काफी कुछ पता लगने वाला है, क्योंकि अभी रुचि सोया जो इस वक्त हाईलाइट में है वो इसलिए है क्योंकि ये लेकर आ रही है अपना FPO। FPO का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एक होता है IPO, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी पैसा उठाती है लोगों से, अपने शेयर्स देती है, और जब स्टॉक मार्केट में वो शेयर्स लिस्ट होते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसे IPO बोलते हैं। बट जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी होती है, आप बोलेंगे जी रुचि सोया तो ऑलरेडी लिस्टेड है, उसकी शेयर प्राइस आप देख भी सकते हो, आप खरीद भी सकते हो, तो वो कंपनी जब दोबारा से अपने शेयर्स लोगों को बेचती है, FII को बेचती है, DII को बेचती है, तो उसे बोलते हैं FPO। अब FPO में कंपनी डिमांड कर रही है कि आपसे इस कंपनी को 4,300 करोड़ रुपए चाहिए। तो अब हमने न्यूट्रेला का नाम सुना है, पतंजलि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, तो क्या हम सिर्फ ब्रांड नेम के ऊपर पैसा लगा दें? अगर आपके मन में भी सवाल चल रहा था कि पैसा लगाना या नहीं लगाना, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, आपको मजा भी आएगा इस वीडियो में, बिकॉज आपको जानकर बड़ा हैरानी होगी कि कंपनी तो जी चल रही है 1986 से, बट ऐसा क्या हुआ नवंबर 2016 में कि कंपनी को बाहर निकाल दिया गया, डीलिस्ट कर दिया गया स्टॉक मार्केट से। मतलब ये कंपनी नवंबर 2016 में डीलिस्ट हो चुकी है और उसके बाद 27 जनवरी 2020 को दोबारा से रीलिस्ट हुई। कंपनी ने 5 महीने के अंदर अपने शेयर प्राइस को कहां पे पहुंचा दिया, 70 गुना कर दिया। मतलब इसका जो रुचि सोया का शेयर प्राइस है 70 गुना हो गया। अब लोग कहते हैं जी करोड़पति बनते हैं लोग स्टॉक मार्केट में, डेफिनेटली अगर किसी ने 2,00,000 रुपए के शेयर्स खरीद लिए होते जब कंपनी रिलिस्ट हुई, तो रिलिस्ट होने के बाद वो पैसा कितना हो जाता, ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ रुपीज, तो 2,00,000 बन जाता, 1.5 करोड़ के आसपास। ये सच में हुआ हुआ है, बट इससे पहले लोगों के साथ क्या हुआ वो आपको जानना ज्यादा जरूरी है। तो सिर्फ हम अभी क्या करते हैं ना, हम सिर्फ हाईलाइट देखते हैं कि अच्छा अच्छा क्या हुआ, अब देखते हैं बुरा क्या हुआ। 1986 से 2010 के बीच में कंपनी के ऊपर ना कर्जे बढ़ने लग गए। लोग ऐसा कहते हैं कि इसका एक कारण था कि कंपनी का जो ओनर था उसको जुआ खेलने की, सट्टा खेलने की बहुत आदत पड़ गई थी, और उसने कॉमोडिटीज के अंदर बहुत पैसा डुबो दिया था, करोड़ों रुपए डुबो दिया था, जिसके कारण 2017 में कंपनी के ऊपर कर्जा हो गया 12,000 करोड़ से ऊपर। कंपनी के ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया इसलिए उसे डीलिस्ट कर दिया गया। एंड अब देखो पैसा 12,000 करोड़ रुपए लेना है, किसने लेना है, बैंक्स ने लेना है, तो बैंक्स ने केस भी फाइल किया अंडर IBC। IBC की फुल फॉर्म होती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब देखिए 2017 में बोला गया कि कंपनी को हम बेच देंगे, बट बेचने के बाद भी, बोलने के बाद भी, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सिर्फ दो ही कंटेंडर सामने आए, वो भी 2019 के अंदर। एक था अदानी विल्मर जिसका IPO भी आपने देखा हाल ही में, और दूसरा था पतंजलि। अब पतंजलि का दिमाग देखिए, पतंजलि ने बोला कि मैं इस कंपनी को 4,350 करोड़ में खरीद लूंगी। अब 4,350 करोड़ तो हम आपको दे देंगे, पर आपको पता ही है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था। अब बैंक्स ने पैसा लेना है, बैंक्स के सामने शर्त रखी, एक तो आप अपने कर्जे को कम करो, 50% तक कम कर दो। अब भैया बैंक्स का पूरा ही पैसा डूब रहा है तो कुछ तो मिलेगा, बैंक्स को मजबूरन ये करना पड़ा। पतंजलि ने जो कंडीशंस रखी आप सामने सामने चीजें थी कि पैसा आपको मिलेगा 4,350 करोड़, ठीक है जी कुछ तो मिल रहा है। SBI ने एग्जाम्पल के लिए 1,800 करोड़ रुपए लेना था रुचि सोया से, एंड बोला क्या इस शर्त के बाद कि आप सिर्फ 880 करोड़ ही दे दो, कुछ तो मिलेगा। तो सबसे पहले पतंजलि ने कंपनी के जो लोन्स थे उन्हें ही राइट ऑफ करवा लिया, कम करवा लिया। उसके बाद एक और शर्त रखी कि भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तो 4,350 करोड़ में खरीदने के लिए रेडी हूं, बट मेरे पास तो सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए ही है, बाकी का अगर आपने लोन देना है तो दे दो। अब SBI ने पहले ही पैसा लेना था, यहां पे क्या बोला पतंजलि ने कि आप मुझे 3,350 करोड़ का उधार दे दो और 1,000 करोड़ रुपए मैं अभी आपको दे देती हूँ और ये कंपनी हम ले लेते हैं। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, एक डूबती हुई कंपनी जिसे इंसॉल्वेंसी में ले जाया गया, वहां पे पतंजलि ने सिर्फ 1,000 करोड़ डाला और बाकी का सब कुछ लोन करा लिया SBI से। तो ये आम जनता का पैसा, SBI के पास पैसा कहां से आएगा? तो यहां पे 3,350 करोड़ SBI ने लोन दिया। अब लोन देने के बाद क्या हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोन देने के बाद मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, आपको ज्यादा मजा आएगा। तो अभी हम इसकी ना पूरा एनालिसिस करने वाले हैं रुचि सोया की, आप चाहें तो ये सेम एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं।
आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, पहले उसकी एनालिसिस जरूर कीजिए। एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट है, टिकट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली सी किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको क्या क्या देखना है, आप टिकट पे जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको कि यहाँ पे फरवरी का अगर हम देखें तो फरवरी का प्राइस 24 रुपए के आसपास था इस शेयर का, जो कि ऑलमोस्ट जून तक आते आते 1300-1400 इनफैक्ट 1500 रुपए का अपर सर्किट पे पहुंच गया था ये, तो ये 70 गुना प्राइस बढ़ गया आंखों के सामने लोगों के। उसके बाद ऐसा हुआ कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो नीचे भी टूटा, 447 तक भी आ गया, तो वहां पे जो अपर सर्किट लग रहे थे उसके कुछ ही महीने के बाद लोअर सर्किट लगे। ऐसा हुआ क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये लोग बहुत कम देखते हैं, बट आप देखिए यहां पे मैं कंपनी की होल्डिंग्स पे जाता हूं। होल्डिंग्स का मतलब होता है कि जो ये शेयर है कंपनी का किस किस के पास है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा देखते हुए, तो मैं आपको दिखाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा। यहां पे सबसे पहले देखिए प्रमोटर होल्डिंग, ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट 99% 98.90% शेयर्स किसके पास है, पतंजलि के पास है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कितने हैं, 1% शेयर। थोड़ा सा हो सकता है आपकी आंखें खुल रही हो, मैं आपको बता रहा हूं, पतंजलि के पास है 99% शेयर ऑलमोस्ट, और 1% है जनता के पास। तो इसका मतलब है कि अगर शेयर्स मार्केट में कम है, मान लो 1500 पे शेयर पहुंच रहा है, क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि मार्केट में डिमांड आ रही है बट शेयर तो बिक ही नहीं रहा। जब शेयर कम है, मान लीजिए आपको आम खरीदना है, अब आम मार्केट में सबका सब मैं अकेला के खरीद लूं, तो अगर किसी को सच में आम चाहिए होगा तो कीमत वो देगा जो मैं चाहता हूं, बिल्कुल वैसे ही हुआ। पतंजलि के पास होल्डिंग जो है 99% है, और यहां पे 1% होल्डिंग लोगों के पास थी, इसकी वजह से क्योंकि डिमांड थी और सप्लाई नहीं थी, शेयर प्राइस यू कैन सी कि 1500 के आसपास पहुंचा, अपर सर्किट लगे, कई दिनों तक लगातार लगे इनफैक्ट। उसके बाद एक और चीज समझनी है कि अगर यहां पे जो पतंजलि है शेयर्स को निकाल दे तो ये जो शेयर प्राइस है गिर जाएगा। अभी जो FPO आ रहा है, FPO आने के चक्कर में आपके सामने आपको शेयर प्राइस गिरता हुआ भी दिखा है कि शेयर प्राइस गिर रहा है, पिछले कुछ दिनों से लगातार इसका शेयर प्राइस गिर रहा है। सो एक प्रमोटर होल्डिंग आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको जरूर देखनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है, वो गिर इसलिए रहा है क्योंकि अभी कंपनी लगभग अपने 20% शेयर्स FPO के अंदर दे रही है लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसके बदले में 4300 करोड़ रुपीस उठा रही है। अब एक चीज आपने और समझी कि कंपनी ने लोन लिया था 3350 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए पतंजलि ने डाले, और अब 4300 करोड़ रुपीस जनता से उठा रही है। ओह माय गॉड, फ्री में खरीद लिया जी, आप देखो फ्री में खरीद लिया, किसे खरीद लिया, रुचि सोया को पतंजलि ने, मास्टर स्ट्रोक खेला पतंजलि ने। अब बात करते हैं आपको इससे फायदा है नुकसान है क्या है, इसे समझने के लिए आपको कंपनी के ना थोड़े से फाइनेंशियल्स को देखना पड़ेगा, और फाइनेंशियल्स को देखने के लिए अगेन टिकट टेप इज अ वेरी गुड वेबसाइट। आप यहां पे सिंपली जब टिकट टेप पे जाएंगे, यहां पे आप क्लिक करेंगे ऊपर, तो आपको यहां पर देखेगा स्टॉक स्क्रीनर, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, मार्केट मूड और स्टॉक डील्स। आप अगर स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्टॉक स्क्रीनर्स पे क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद आप यहां पे रुचि सोया सर्च कर लीजिएगा, आप टॉप पे भी सर्च कर सकते हैं। तो रुचि सोया सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले यहां पे एक चेकलिस्ट दिखेगी, यहां पे जो चेकलिस्ट कह रही है कि इस वक्त जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, यहां पे ये एक नेगेटिव सिग्नल है। दूसरी चीज यहां पर आप देखिए कि जो डिविडेंड्स है वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है, तो ये दो नेगेटिव यहां पर आपको दिखा रहा है। अब यहां पे जो कंपनी का पी रेशियो है वो 37.93 का है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए इसकी जो यहां पर दिखा रहा है कि करंट प्राइस है इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। पीबी रेशियो 6.11 का है, यहां पे आपको सेक्टर पीई, सेक्टर पीबी और सेक्टर डिविडेंड यील्ड भी दिखेगी। बट अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, जो टिकट टेप का मुझे एक बहुत अच्छा फीचर लगा कि यहां पे आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिख जाती है। आप जैसे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड भी हो जाएगी, हमने डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी। सो यहां पे जो एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन है वो आपको दिख जाती है यहाँ पे, एंड दिस इज बेसिकली मेड फॉर इन्वेस्टर्स। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में तो एक बार आप इनकी प्रेजेंटेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो आपको जाननी भी जरूरी है, उसके ऊपर भी एक बार बात करते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पर देखिए कि ये जो बैंकरप्सी की पिटीशन है,
यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 15 दिसंबर 2017 को यहाँ पर फाइल हुई थी, और 2019 में जैसे कि मैंने बताया कि पतंजलि ने इसे एक्वायर किया 18th ऑफ दिसंबर को। उसके बाद पतंजलि ने क्या क्या किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे लॉन्च प्रीमियम एडिबल ऑयल्स हनी एंड हाई प्रोटीन आटा अंडर न्यूट्रेला ब्रांड। उसके बाद रुचि सोया ने एक्वायर किया है बिस्किट्स को, कुकीज को, रस बिजनेस को पतंजलि के स्लम सेल बेसिस पे 60 करोड़ पे। एंड उसके बाद जो भी यहाँ पर कंपनी का 2018-2020 का और जो 31 दिसंबर 2020 तक का डेटा है वो आपके सामने है कि जो एनुअल रेवेन्यू है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन जो है मार्जिन जो कंपनी का है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है बढ़ता हुआ। एंड उसके बाद पीएटी जो मार्जिन है वो आपके सामने क्लियरली बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं फॉर योर ओन एनालिसिस। अब यहां पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी की आप टोटल यहां पे जब फाइनेंशियल्स पे जाएंगे सो यहां से आप एनालिसिस कर पाएंगे और भी बेहतर तरीके से। हम कंपनी की एक बार इनकम देख लेते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे। सो यहां पे ईयर बाय ईयर चेक करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19, 20 और 21। इसके अंदर हमें कंपनी का जो रेवेन्यू है अप्रॉक्स 12,000 करोड़, फिर 12,800 करोड़, फिर 20,000 करोड़ और फिर 16,000 करोड़ समथिंग। यहाँ पे 2020 के अंदर इसके पास इन्होंने अदर इनकम भी बुक करी है 7,000 करोड़ के आसपास की। अब नेट इनकम जो है यहाँ पर अगर आप नेट इनकम देखेंगे तो पहले माइनस के अंदर थी, माइनस के बाद इट बिकेम बेटर -10 करोड़ एंड फिर 7,600 करोड़ के आसपास की इनकम बढ़ी है जिसमें अदर इनकम कंपनी ने डेफिनेटली बुक करी है, और 2021 के अंदर 680 करोड़। अब अगर कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं क्योंकि हमें ना लाइबिलिटी जरूर देखनी है कि कंपनी के ऊपर अभी इस वक्त करंट लाइबिलिटीज कितनी है, तो आपको करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर क्लियरली दिख जाएंगी कि करंट एसेट्स कितने हैं और करंट लाइबिलिटीज कितनी है। हमने यहाँ पर तीन चीजें देखनी है, टोटल इक्विटी कंपनी के पास कितनी है। तो आज की डेट में 2021 के अंदर कंपनी के पास जो इक्विटी है वो 4,200 करोड़ के आसपास की, और कंपनी की जो लाइबिलिटीज है करंट लाइबिलिटीज है 1,700 करोड़ के आसपास और नॉन करंट लाइबिलिटीज है 3,000 करोड़ के आसपास। सो कंपनी की टोटल लाइबिलिटी इस वक्त 4,700 करोड़ से ऊपर की है और कंपनी के पास उससे कम की इक्विटी है, और कंपनी के जो एसेट्स भी हैं वो भी कंपनी की लाइबिलिटी से कम है। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी को आज के रेट में बेच भी दोगे तो कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो उतने नहीं है कि लाइबिलिटी को भी पूरा कर पाए, जो कि एक मेरे हिसाब से यहां पे नेगेटिव पॉइंट है। तो आपकी एनालिसिस के लिए ये सब चीजें आपको देखनी जरूरी होती है। सो यू कैन डेफिनेटली स्पेंड सम टाइम। सो एक कंक्लूजन के लिए मैं आपको अपना ओपिनियन भी दे देता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है सर कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, नंबर वन। दूसरी चीज, कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ पर्सनली इस एफपीओ में पैसा डालने के लिए। बाकी आप कितने इंटरेस्टेड हैं, आपकी क्या राय है, आप जरूर कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपने जो अभी एनालिसिस देखी है उसके बाद क्या आप इस एफपीओ में पैसा लगाने वाले या नहीं लगाने वाले, वो आप जरूर बताइएगा। अब मैं आपको कुछ बेसिक डेटा दे देता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि बिडिंग डेट जो है इस एफपीओ की वो है 24th मार्च से 28th मार्च, मतलब 24 मार्च से लेकर 28 मार्च तक अगर आप चाहें तो इसमें अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं। जो एफपीओ का प्राइस रहेगा वो 615 से लेकर 650 के बीच में ये प्राइस वेरी करेगा। अब आपको डेफिनेटली जो हायर प्राइस है उसे ही कंसीडर करना चाहिए, और जो इसका लॉट है वो 21 का है जिसकी वजह से जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो तकरीबन 13,650 की रहेगी। तो आपको यहाँ पे लॉट में अप्लाई करना होता है और मिनिमम यहाँ पे 12,915 रहेगी। तो अगर आपको चाहिए ही अलॉटमेंट तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए हायर साइड के हिसाब से। अब अलॉटमेंट जो है वो आपको 31st of March को मिलेगी, इनिशिएशन ऑफ रिफंड। जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली उनका 4th of April को इनिशिएट होगा रिफंड। अब क्रेडिट जो हो गए शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में कब दिखेंगे, वो दिखेंगे 5th of April को। सो जिस दिन आपको शेयर दिखते हैं उसे एक दिन पहले रिफंड आपके इनिशिएट हो जाता है, और एफपीओ की जो लिस्टिंग है वो होगी 6th of April को। तो प्रॉफिट हुआ लोगों को या नुकसान हुआ वो आपको डेफिनेटली 6th of April को पता लग जाएगा। सो अगर यहाँ पे डिस्काउंट पे लिस्टिंग होती है तो लोगों का नुकसान होगा, अगर प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है तो लोगों को फायदा होगा। तो आपको क्या लगता है कि लोगों का फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? सो दिस इज अ क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। एंड आप ये भी बताइएगा कि क्या आप अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले तो क्यों करने वाले, नहीं करने वाले तो क्यों नहीं करने वाले, एंड आपको हमारी एनालिसिस कैसे लगी वो भी आप जरूर डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हैं। फाइनली देखिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी पैसा लगाएं एक बार कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस जरूर,
कीजिए, उसके लिए जैसे हमने टिकर टेप आज यूज किया तो आप उसे कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। एंड आप एनालिसिस करने के बाद ही पैसा लगाइएगा, चाहे आज हम रुचि सोए की बात कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं एनालिसिस करने के बाद ही लगाइए। फाइनली अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक डिटेल्ड एनालिसिस मिले, खासकर इस एफपीओ के बारे में, रुचि सोए के बारे में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो, फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, एंड गो सेल्फ मेड।